हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक हमारे एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है कि जब आपका कोई मजाक उड़ाए, आपको कोई नीचा दिखाना चाहे, उस समय आप क्या करें। तो इसी पे होने वाला है आज का वीडियो। बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। और शुरू करने से पहले आपके लिए अपना एडवर्टाइज कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और औरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और शुरू करते हैं ये वीडियो। चलिए, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छा है और ये बहुत जरूरी है। सब लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि 90% से ज्यादा लोग इन चीजों के विक्टिम होते हैं या सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। मेरे को भी बचपन में, स्कूल टाइम में लोग चिढ़ाया करते थे, फ्रेंड्स चिढ़ाया करते थे कि मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती है। बीइंग अ पंजाबी, मैं प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी नहीं कर पाता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो उन्हीं कुछ वर्ड्स को लेकर के वो मेरे को चिढ़ाते थे, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, चिढ़ता था, उनको आगे से कुछ बोलता था, लड़ाई कर लेता था, और इसी के चलते डीमोरलाइज हो जाता था। और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। और एक प्रॉब्लम और थी कि मेरे आईब्रोज बड़े थे, तो वो लोग मेरे को क्रूर सिंह, उस समय चंद्रकांता एक सीरियल आता था, तो उसके क्रूर सिंह बोल करके मेरे को चिढ़ाया करते थे। मेरे फ्रेंड्स अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा। और उसके कुछ टाइम बाद में मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गया, वहाँ एक फैशन मैगजीन थी, तो मैंने उसको पढ़ा, तो वहाँ पर ये लिखा था कि जिनके आईब्रोज बड़े होते हैं वो उनको अच्छा माना जाता है, और जिनकी आईज बड़ी होती हैं उनको अच्छा माना जाता है। तो इन कुछ चीज़ों को लेकर के जो मेरे को चिढ़ाते थे लोग, तो फिर मैंने चिढ़ना बंद कर दिया। मैंने बोला ये तो अच्छा होता है, दिस इज़ अ गुड साइन। बोलते थे आपके क्रूर सिंह हो, मैंने कहा हाँ मैं हूँ क्रूर सिंह। तो उन चीज़ों में फिर प्रॉब्लम नहीं आती थी। सीखा यही है लाइफ से कि जब आप अपने ऊपर हंसना सीख जाते हो, या फिर आप जब दूसरों की बातों से चिढ़ना बंद कर देते हो, तब लोग आप पे हंसना और आपको चिढ़ाना बंद कर देते हैं। और पहला मंत्र तो यही है, और यहाँ पर इन चीज़ों को समझना है। ये बहुत छोटा पॉइंट नहीं है कि हम इतने में उनको समेट दें। ये वीडियो माइट भी थोड़ा सा लंबा हो जाए, हो सकता है 12-13-15 मिनट का ये वीडियो हो जाए, लेकिन इसको पूरा देखना जरूरी है क्योंकि जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो चीज़ें हमारे बच्चे फेस ना करें और वो डीमोरलाइज ना हो जाएं, उनका डेवलपमेंट इफेक्ट ना हो। तो इसलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है और इसको समझ करके इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, नहीं भी की हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हो सकता है वो फेस कर रहे हों, तो ये वीडियो उनको भी जरूर दिखाना और शेयर भी करना जिनको आपको लगता है कि ये सब होता है, क्योंकि बचपन में ये चीज़ें आम होती हैं, स्कूलिंग में ये चीज़ें आम होती हैं, एक दूसरे को चिढ़ाना, चिढ़ना, उसके बाद में परेशान होना, डिमोरलाइज होना और सही से पढ़ाई में मन ना लगना। आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि दूसरे हमें क्यों चिढ़ाते हैं, या फिर क्या हम उनको मौका देते हैं खुद को चिढ़ाने के लिए। हम किसी बात से चिढ़ते हैं, हमें कोई बात उनकी इफेक्ट करती है, हम उस पर रिवर्ट करते हैं, उनको मज़ा आता है, उनको लगता है ये ट्रिगर पॉइंट इसका जो है यही है, तो उसी बात को लेकर के वो आपको चिढ़ाने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी कुछ बोल रहा है पहले उसको सुनना है, समझना है, फिर उसके बाद में उसको रिवर्ट करना है पॉजिटिवली। अगर आपके अंदर वाकई वो कमी है तो आपको हंस देना है और बोलना है हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा जैसे मैं करता था। एक काम तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी जाकर के उन लोगों को उनका जो ईगो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपको आगे से वो चिढ़ाना छोड़ देंगे और ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा पॉइंट उनका यह है कि जब आपको कोई नीचा दिखाना चाहे, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपको कोई नीचा दिखाना चाह रहा है तो उस समय आप चाहें तो नीचे दिखें, आप चाहें तो नीचे नहीं दिखें। जब आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है और ऐसी बात बोलता है जो वाकई सही नहीं है लेकिन वो बोल रहा है, तो उस समय आपको करना ये होता है कि उसको बोल देना होता है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो हूँ ही ऐसा और मैं तो ऐसी ही हूँ। और जब आप सामने वाले को ये चीज़ बोलते हैं, उसको पता चलता है कि यार ये तो मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया, और तब वो आगे से ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना शुरू करता है और एटलीस्ट आपके साथ वो चीज़ें यूज़ नहीं करता है। और थर्ड पॉइंट है उनसे रिलेटेड जो या तो घर में हाउसवाइफ हैं और या फिर घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए, तो जब आप कुछ अच्छा बना के लाते हो लेकिन सामने से खाने वाला जो है वो चुपचाप सब कुछ गटक जाता है और उसके लिए कोई तारीफ नहीं करता है, तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि मैंने तो इतने मन से बनाया था और लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तारीफ ही नहीं की है, तो ऐसे में भी आपको जो है वो बुरा लगता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कुछ इतना अच्छा बना देते हो कि सामने वाला उसमें खो जाता है और उसको टाइम ही नहीं मिलता है कि वो आपकी तारीफ करे। तो इस बात को भी ध्यान में रखें उससे परेशान होने से पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खो गए हों, तो फिर थोड़ा सा पॉइंट करके पूछ लो उनको कि अरे मैंने बड़े मन से खाना बनाया था, आपने तो कुछ बताया नहीं इसके बारे में। तब वो उसके अंदर की बात निकल के आएगी, उसको बताना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपको बताएंगे कि हाँ ये तो वाकई बहुत अच्छा बना है और खो गए थे हम तो इसमें। और ऐसे ही जब आप बहुत अच्छा तैयार होके आते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आप चाहते हैं कि सामने वाले आपकी तारीफ करें, तो कई बार वो ध्यान नहीं कर पाते हैं तो ये चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो ऐसे में भी यार मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या, आपने तो बोला भी नहीं एक बार भी। तो इस तरीके से आप लोग उन चीज़ों को जो है सामने ला सकते हैं और ये जो दिमाग में चलने वाली खचड़ पचड़ है इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ ही तो हैं। ये माइंड हमारा, हमारा पॉजिटिव होना, हमारा नेगेटिव होना, ये सब कहानियाँ ही तो हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि आप अलाइव हैं, और उसके बाद में अगर आप फिट हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस समय की। अगर आप फिट नहीं हैं तो सबसे खराब बात है। तो जब आप जिंदा हैं और फिट हैं और कुछ कर सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोगों को जो है इतना समझना चाहिए कि कमियां सबके अंदर होती हैं, किसी के अंदर कोई कमी होती है, किसी के अंदर कोई कमी होती है, किसी का नाक टेढ़ा होता है, किसी के आईब्रो बड़े होते हैं, किसी का जो है बोलने का स्टाइल उतना अच्छा नहीं होता है, कुछ लोगों का प्रोनंसिएशन मेरी तरह अच्छा नहीं होता है। उन सारी चीज़ों को लेकर के आपको कभी डिमोरलाइज नहीं होना है, कभी नेगेटिव नहीं होना है और कभी परेशान भी नहीं होना है, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ सामने वाले के ऊपर आपकी खुशी और दुख क्यों डिपेंड करता है? सामने वाला आपकी तारीफ करेगा तभी आप खुश हो पाओगे, आपको नहीं पता है कि आप क्या हो। आपने सामने वाले को रिमोट दे रखा है अपनी खुशियों का, वो बटन दबाएगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो बटन नहीं दबाता है तो आप दुखी हो जाते हो, या फिर वो बुराई कर देता है थोड़ी सी तब भी आप दुखी हो जाते हो, वो आपकी थोड़ी सी जो है आपको चिढ़ाने के लिए कोई बात बोलता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में ह्यूमर क्रिएट करना सीखो, और वहाँ पर आपको बड़े ईजीली उसको ईजी वे में उन चीज़ों को लेना होता है। और जितना ज़्यादा सीरियसली आप उन चीज़ों को लेते हैं उतना ज़्यादा सीरियसली उन लोगों को लगता है कि आपने लिया है, और आगे से वो और आपको इफेक्ट करके और आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ें आप ही को नुकसान करती हैं, आप ही को इफेक्ट करती हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप चलेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है उससे भी कहीं अच्छी, एक हीरो जैसी होनी चाहिए, तो हीरो तो हमारे रणवीर सिंह भी हैं और हीरो तो हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके कि आपने देखना कि आप अपने आप को कैसे अच्छा स्किल्ड कर सकते हो, कैसे अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, कैसे आप फैक्ट नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो। क्योंकि आपका मजाक ज़्यादातर तभी बनता है जब आपकी नॉलेज खराब होती है या आधी अधूरी होती है, और आप जैसे ही उसको कहीं पर ला करके बोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी आपको ये दिक्कत होती है। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा नॉलेज ही गैदर करनी पड़ेगी, आपको सही इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी उन चीज़ों के लिए, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी जो है इमीडिएट सॉल्व होने वाली है। अच्छा दिखना खराब दिखना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छा होना खराब होना बिल्कुल आपके हाथ में है। तो अच्छे दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा होना, और अच्छा कौन होता है? जो सच्चा होता है, जो सही होता है वही अच्छा होता है। और आज नहीं तो कल इस दुनिया में जो है अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का डंका बजने वाला है। और इन चीज़ों को आप ध्यान में रख करके अगर चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और सभी पेरेंट्स को एक एडवाइस है मेरी कि ये बोलने के बजाय कि हमारा बच्चा जो है हमारे कहने में चलता है, हमारा बच्चा जो है वही करता है जो हम कहते हैं, इसके बजाय अगर आप ये कहना सीख जाएं कि हमारा बच्चा वही करता है जो सही होता है, गलत करने को हम कहते हैं तब भी नहीं करता है, तो इसमें आपकी ज़्यादा बड़ाई है, क्योंकि आपने संस्कार उसको अच्छे दिए हैं तभी वो ऐसा करता है। तो अपने बच्चों को सही करना सिखाइए, सही बात सिखाइए, और ख़राब चीज़ें ना तो उनके सामने कीजिए, क्योंकि वो ऑब्जर्वर होते हैं, वो आपको आपको देख करके सीखते हैं, गलत आदतें भी आपसे सीखते हैं, झूठ बोलना भी आपसे सीखते हैं, और बुरे काम करना भी वो कहीं ना कहीं शुरुआत अपने आसपास से ही करते हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में है तो धीरे धीरे उनको ड्रॉप करते जाइए, और पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करते जाइए। और आप डिफाइन कीजिए जिस भी आप फील्ड में हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उस लाइन में जो आपसे अच्छा है, जो आपसे बेटर है, तो आप उससे चिपक जाइए, यानी उससे फ्रेंडशिप कर लीजिए, उसके साथ जो है तालमेल बनाइए अपना, ताकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। जिस भी फील्ड में जो भी आप करना चाहते हैं, जब जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, जो आपसे बेटर हो, बस चिपक जाइए। और
उनके साथ रहिए, उनसे सीखिए, उनको ऑब्जर्व करिए और आपको आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं होगा। बस लाइफ में आप कभी फैक्ट्स को नहीं छोड़िए और अपनी लाइफ को फैक्ट्स बेस्ड बनाइए, फंडामेंटल बेस्ड बनाइए, तो आपको सब कुछ जो है अच्छा अच्छा होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें जो है आगे आने वाले टाइम में इस चैनल पे कवर की जाएंगी। एक टॉपिक और आया है लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये टॉपिक को कवर करते हैं, छोटा टॉपिक है, वो बड़ा टॉपिक है। उसमें यह है कि हम हमेशा कैसे खुश रहें, हम कैसे हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहें, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां हम हमेशा खुश रह सकते हैं। और बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक नई वीडियो में आपको मिलने वाला है। और जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए हमें और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से कहूँगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।